जिंदाबाद, एजेंसी यूनियन जिंदाबाद, एजेंसी यूनियन जिंदाबाद, एजेंसी यूनियन जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, वित्त मंत्री जिंदाबाद, वित्त मंत्री जिंदाबाद, IRDA जिंदाबाद। हाल में जो भारत की सबसे बड़ी जीवन निगम जो इंश्योरेंस की कंपनी है जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी दुर्घटना या किसी भी चीज के लिए, उसके जो अभिकर्ता हैं पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कई मांगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश और आप देख रहे हैं। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर और यहाँ पर LIC के जो अभिकर्ता हैं वह अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका जो बोनस होता है उसको सरकार के दबाव में आकर जो LIC है वह कम कर रही है, इस वजह से जो अभिकर्ता हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह बिगड़ रही है। अधिक जानकारी के लिए हम जो धरने पे हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और इनसे समझेंगे कि इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है। क्या नाम है? यूनियन में संरक्षक है हमें जो आप लोगों का जो प्रदर्शन है किस चीज को लेकर? देखिए, हमारा प्रदर्शन जो है ये सिर्फ इस ब्रांच का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है और ये लगातार जो है 1 सितंबर से प्रदर्शन हम लोगों का शुरू हुआ है और ये 30 नवंबर तक लगातार चलता ही रहेगा। प्रदर्शन हम लोगों का इस वजह से है कि भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का मैनेजमेंट IRDA इन लोगों की जो गलत नीतियां हैं उन नीतियों का प्रभाव हम अभिकर्ताओं के ऊपर पड़ रहा है, हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के जो सम्मानित बीमा धारक हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछले दिनों संघर्ष किया, हमारे जो सम्मानित पॉलिसी होल्डर हैं उनके बोनस को कम करने का काम किया इस सरकार ने जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में, वो संघर्ष अभी हम लोगों का चल ही रहा था। प्राइवेटाइजेशन का मामला है, LIC को प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में ले जाने का काम कर रही है सरकार, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इन सब संघर्ष के बीच में 1956 से जब LIC का नेशनलाइजेशन हुआ तब से आज तक अभिकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इसको सींचा है और आज दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापित करने का कार्य किया है और आज ये सरकार उन अभिकर्ताओं के, जबकि आज के दौर में हर तरफ विकास का दौर बढ़ा है, हर तरफ सबके सैलरी बढ़ रहे हैं, सबके काम धंधे बढ़ रहे हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो अभिकर्ता अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया लोगों की सेवा करने में, आज LIC और मैनेजमेंट और भारत सरकार ये कर रही है कि उनके कमीशन को कम करने का काम कर रही है, उनके कमीशन को घटाने का काम कर रही है। अगर ये कमीशन घटाने का काम करेगी तो फिर यह हमारा अस्तित्व खतरे में दिख रहा है, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब तक ये चीज़ें आए दिन पेपर में आ रहा है, मुंबई से प्रकाशित हो रहा है, दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है, वित्त मंत्रालय से ये मैसेज सूचनाएँ आ रही हैं जो है इस पर सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वे हो रहा है, तो ये चीज़ें हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन तक भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। अभिकर्ता यूनियन जिंदाबाद, अभिकर्ता यूनियन जिंदाबाद। कि जो आम नागरिक है वो नहीं समझ पाएगा लेकिन जो अभिकर्ता है उसके हक को किस तरीके से मारा जा रहा है सरकार के द्वारा, LIC के द्वारा, उसको थोड़ा सा टेक्निकल में आप समझा सकें कि जो आप लाते हैं पॉलिसी किस तरीके से कम किया है। हम लोग जो है वेतन भोगी नहीं है भारतीय जीवन बीमा निगम में, हम लोगों को वेतन नहीं मिलता है, हम लोग जो काम करके फील्ड में सुबह से लेकर शाम तक मिलता है, मेहनत करते हैं और पॉलिसी करते हैं, हर तिमाही छमाही वार्षिक प्रीमियम को डोर टू डोर जा करके हम लोग ले आ करके LIC में जमा करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे किसी बीमा धारक के साथ कोई दुर्घटना हो गया जिससे उनका जीवन नहीं रहता है, उनके परिवार के बीच में जा करके उनकी पॉलिसी से को ला करके यहाँ दस्तावेज जमा करके उस पर जो LIC के तरफ से देय होता है, मृत्यु लाभ जो देय होता है उसको भी हम लोग लग करके कराने का काम करते हैं। इसके बदले में हमें LIC कोई सैलरी नहीं देती है, हमें सिर्फ LIC कमीशन देती है, जितना काम करते हैं उस पर हमें कमीशन मिलता है। उसी कमीशन को कम किया जा रहा है,
जबकि मैनेजमेंट में और इंटरनल ऑफिस में सबके सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि सबको डेली कूपन दिया जा रहा है, लंच के लिए भोजन की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन जिसके खून पसीनों पर आज LIC खड़ी है उसी को जो है दबाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे सम्मानित बीमा धारक जिनको 56 से लेकर के आज तक एक अट्रैक्टिव बोनस मिलता था, उनकी पॉलिसियां होती थी, उनके पैसे जमा होते थे, उनके पैसे पे एक अच्छा बोनस उनको मिलता था मैच्योरिटी के रूप में। आज भारतीय जीवन बीमा निगम उनको भी उनके बोनस को भी कम कर रही है, उनको भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, हो रहा है, पहले था देख करके पॉलिसी किया गया 50,000 की पॉलिसी में, जहाँ 1,25,000 रुपए तक में आज 65,000 रुपए नुकसान हमारे बीमा धारक का होगा। तो ये बीमा धारक का नुकसान भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्राहक उन्हीं के आधार पर उन्हीं को सेवा दे करके हम लोग चल रहे हैं, और उनके साथ साथ अभी हम लोग उनकी लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन तब तक स्थिति यह आया कि भारत सरकार, IRDA, वित्त मैनेजमेंट, वित्त मंत्रालय, इन सारे लोगों ने मिल करके LIC में जो ये अभिकर्ता हैं उनके कमीशन को कम करने का काम किया है, दोनों के ऊपर उनका कमीशन कम किया जा रहा है, नहीं चला रही है ये अपनी अभिकर्ता विरोधी मानसिकता तब कहीं नहीं चलेगी ना हम लोग चलने देंगे, इसके लिए चाहे हम लोगों को किस भी स्तर पे संघर्ष करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नौतनवा कस्बे में LIC का ऑफिस है, यहीं पर जो अभिकर्ता हैं वह धरना दे रहे हैं और तरह तरह की यहाँ नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, हो जो भी सरकार हो तमाम सारी चीजों के खिलाफ। और इनका एक चीज और कहना है कि हमने आपसे बताया ना कि टेक्निकल वे में किस तरीके से आम आदमी को समझाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़ी बखूबी से बताया कि जो पॉलिसी धारक होते हैं उनका भी नुकसान है और जो अभिकर्ता है उनका भी नुकसान है। हमें उम्मीद है कि उनका जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे भारत स्तर पर, यह सरकार के पास जाएगा और सरकार इसका कुछ ना कुछ इलाज